सरप्राइज। अभी तुम मुझे बताओ तुम आज बलून्स क्यों क्यों कर रही हो? आज एक जो है जबरदस्त सरप्राइज प्लान कर रही हो। अभी तुमने इतने बलून्स तो फाड़ दिए, क्या करूं, फटे पे फटे ही जा रहे हैं। तो जी, जैसा कि आप देख सकते हैं बलून्स की डेकोरेशन कुछ हद तक हो गई है और अब हमें तैयारी करनी है क्योंकि हमें उस सेलिब्रेशन के लिए जाना है। अभी नहीं बताऊंगी। अप्पी अप्पी बहुत टाइम ले रही है तैयारी में। हम लोग निकल चुके हैं, वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है, हमें लेट हो रहा है, हम रास्ता अपना देख रहे हैं। सही है ना अप्पी? अरे अनुषा कितने एक्साइटेड हो हम लोग अभी ARY के ऑफिस पहुंच चुके हैं और कुछ कुछ आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि हम कहाँ आ रहे हैं, लेकिन मैं अपडेट करती हूँ। रास्ता यहाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो मैं ज़्यादा देर वीडियो नहीं बना सकती। पहुँच गए, ठीक है, और अब हम अंदर जा रहे हैं ARY के ऑफिस। हमें ARY के ऑफिस के अंदर, अभी हम लोग ARY के ऑफिस के अंदर पहुँचे हैं। शो के टाइमिंग 4 बजे से 5 बज गए, शो स्टार्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। तो आइए उमर शहजाद साहब आइए। आज बादशाह सलामत सामने ड्रामे का। हाँ तुम हो तो क्या जिंदगी में तुम हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मतलब सिंगर ऑफ द सीजन। आपका पैकेज देखते हैं जी, कैसा रहा सफर? खबरदार, हमारे बीच में बुलाया तो फिजिकल रास्ता ब्लॉक कर रहा है। आपको पता है ना, चांद पे बंदा पड़ा। उमर आ गए। उमर ने सबका साथ दिया और मुझे ये कहते हुए बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि उमर एक वो कंटेस्टेंट थे इस घर में जिनकी किसी के साथ ऐसी लड़ाई नहीं हो जिससे किसी को बुरा लगा हो। हमारे को बड़ा surprise.